हेलो ऑल पैम्स ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेके चलती हूँ हसीन वादियों में। ये थोड़ा सा रिवालसर की जो मार्केट है वहाँ से थोड़ी सी स्टेयर्स चढ़ के जाना पड़ता है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो लेक दिख रही है, रिवालसर लेक, और पूरा मतलब बहुत अच्छा व्यू है रिवालसर का। ये स्टेयर्स जाती हैं ऊपर स्टैचू तक, जहाँ पे पद्मसंभव जी का बहुत बड़ा स्टैचू बना हुआ है। जैसे एक व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, हम हैदराबाद गए थे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का, तो उसी टाइप का ये बहुत बड़ा स्टैचू था यहाँ पे। तो ये स्टेयर्स चढ़ के अब मैं पहुँच गई हूँ ऊपर। अब चलते हैं अंदर, देखिए मेरे साथ आप भी घूमिए, इंजॉय कीजिए। और ऊपर जाके ऐसे रिवाल्सर तो मैं बहुत ही बार आई हूँ, आई थिंक बहुत ही बार, मतलब काउंट नहीं कर सकती जिसको। यहाँ पे नैना देवी टेम्पल भी है, वो बहुत हाइट पे है वो भी, और यहाँ पे जू भी है, तो सब कुछ देखा हुआ है। बस जहाँ पे ये स्टैच्यू है वहाँ पे मैं पहली बार गई हूँ और बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ जाके। बहुत शांति वाली जगह है, तो सबको जाना चाहिए, मतलब एक बार तो ज़रूर जाना चाहिए, बहुत प्यारी जगह है। तो आइए एंजॉय कीजिए मेरे साथ रिवालसर लेक का व्यू। Thank you.
इस वक्त मैं हूँ बिल्कुल टॉप पे हरिवाल सर के, जहाँ पे ये मूर्ति है। मुझे तो दिख भी नहीं रही है। यहाँ से इसका पूरा बहुत अच्छा सा व्यू दिख रहा है सामने से। बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, ज़्यादा ठंड नहीं है, हवा तो चल रही है बट मौसम अच्छा है और बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से। पूरे हरिवाल सर का व्यू बहुत अच्छा दिख रहा है और यहाँ से मूर्ति का व्यू भी बहुत ही प्यारा है। मैं बहुत मतलब फर्स्ट टाइम आई हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। सबको आना चाहिए इधर घूमने के लिए, बहुत अच्छी जगह है। बाय। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में। सो डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माय व्लॉग एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।